today's announcement about one rank, one pension by the Defence Minister is totally disappointing. They have substantially diluted today's claim by the Defence Minister that NDA government is accepting for the first time after 4 decades the long pending demand of the one rank, one pension. I don't know what language I must use. It is already accepted in toto by the UPA government in 2014. And we have started implementing that. UPA government was always sincere for the cause of ex-servicemen. Last 10 years of the UPA government, 3 times we increased the pension of the ex-servicemen substantially, costing nearly 7,000 crores. No other government has increased pension of ex-servicemen such a large scale. बीजेपी सरकार ने हमारे एक्स सर्विसमैन को धोखा दिया है। धोखा इसलिए दिया है क्योंकि जो वन रैंक वन पेंशन का निर्णय है वो यूपीए सरकार ने किया था। सो जो इक्वलाइजेशन का मुद्दा है वो तय हो चुका था। आज ये सरकार उस पर भी यू टर्न कर रही है। आज ये कहते हैं कि हम सैनिकों का एक्स सर्विसमैन का सम्मान करते हैं। ये एक्स सर्विसमैन का सम्मान नहीं है, ये उनका अपमान है। 14 अगस्त को क्या वो एक्स सर्विसमैन का सम्मान कर रहे थे जब उन्होंने लाठियों से वहां से उनको जंतर मंतर से निकाला? जो मांग सैनिकों की है, एक्स सर्विसमैन की है, वो सही है, हम उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। और मैं स्वागत करते हैं कि एक बार तो इन्होंने इन प्रिंसिपल तो बात मांगी, इस बात का हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये 5 साल के बाद कितना पेंशन मिलेगा, 5 साल के बाद तय करेंगे, वन मैन कमीशन बैठाएंगे, ये हमें स्वीकार नहीं है। जो हमने फैसला किया था और जो पूर्व रक्षा मंत्री ने आपके सामने रखा, 26 फरवरी का फैसला और उसके बाद 24 अप्रैल का फैसला कि ये पेंशन सभी को एक समान मिलेगी, वो फैसला ही सही फैसला था। और ये सरकार का फैसला कि उससे पीछे हटके हम ये बातें 5 साल के बाद देखेंगे, वन मैन कमीशन की रिपोर्ट के बाद कैसे इसको लागू किया जाएगा, वो फैसला कांग्रेस पार्टी नहीं मानती। ये दुख और दुर्भाग्य की बात है कि ये एक्स सर्विसमैन के साथ भी राजनीति कर रहे हैं।